हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए जो बेरोजगार युवा मेरे साथी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। वास्तव में ये बात लागू होनी चाहिए। बीएल जो वर्मा जी है उन्होंने बिल्कुल सही और सटीक बात कही है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ, बने रही वीडियो के एंड तक। और जो अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ओपन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप जरूर ध्यान से सुनिएगा कि भर्ती में स्थानीय युवाओं के लिए पॉलिसी बनवाएं। ठीक है, कुछ साल पहले तक नौकरी के लिए शिक्षित युवा ढूंढने में भी नहीं मिलते थे, अब यह स्थिति हो गई है कि यूजी पीजी प्रोफेशनल और डिग्री ले चुके करोड़ों युवा बेरोजगार है, वहीं दूसरी तरफ नौकरी के अवसर सीमित है। इस कारण देश के कई राज्य अब अपने अपने राज्यों में युवाओं को ही नौकरी देने का मन बना चुके हैं। कई राज्य तो भर्तियों को केवल स्थानीय निवासी के लिए आरक्षित कर रहे हैं। कई राज्यों ने भाषा और पढ़ाई की शर्तें लगा दी है जिससे दूसरे राज्यों के युवा आ ही नहीं सके। अब जो जरूरी है कि प्रदेश की सरकार भी इस ओर ध्यान दे कि राजस्थान के उच्च शिक्षित स्थानों में हिंदी भाषा जो पड़ोसी राज्यों में लोग बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय हो या दूसरे विश्वविद्यालय, पिछले 5-7 वर्षों में हुई भर्तियों के आरक्षित जो वर्ग में 30 से 35% बाहरी राज्यों के अशिक्षित आए हैं। ठीक है, इसका एक बड़ा कारण है कि राजस्थानों में ऊंचे पदों पर बैठे लोग बाहरी राज्यों की है, वे राजस्थान के बजाय अपने अपने प्रदेश में लोगों की वीरता देते हैं। ऐसी स्थिति रही तो प्रदेश में युवा बेरोजगार रह जाएंगे और उनके हिस्से की नौकरी दूसरे राज्यों के लोग ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए अब राज्य सरकार की भर्तियों और नियुक्ति के संबंध में पॉलिसी बनवाने की आवश्यकता है। बाहरी लोगों पर लगाम लगे और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिले और यह जिम्मेदारी सरकार है। इसके लिए सबसे पहले कुलपति जैसे उच्च पदों पर बाहर के लोगों को लाना बंद करना चाहिए। कर्मचारियों से लेकर अधिकारी हर वर्ग का भर्तियों में भाषा व निवासी की बाध्यता लगाई जानी चाहिए। इसी प्रकार की बाध्यताओं को इंटरव्यू में भी शामिल किया जा सकता है। बाध्यता लगेगी तभी हमारे युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। प्रदेश में बेरोजगारों का आंकड़ा जो बीएड बीएसटीसी जो कर लूँ वो 10 से 12 लाख है और पॉलिटेक्निकल जो कर रखे वो 5 से 7 लाख है और आईटीआई जो कर करीब 3 लाख और यूजी पीजी में है वो करीब 30 लाख विद्यार्थी है। बेरोजगार संघों की ओर से दिया गया अनुमति आंकड़ा, ठीक है, पिछले 2 वर्षों से निकली भर्ती 1.08 लाख पदों पर भर्ती निकाली गई। पिछले बजट में 75,000 भर्तियों की घोषणा की गई। इस बजट में आगे की दोस्तों जो भी न्यूज होगी आगे अपने इधर पढ़ ले देख लीजिए दोस्तों। 18 राज्यों ने अलग अलग भर्तियों में लगाई पर कई प्रकार की बाध्यता। ठीक है, मेरी नौकरी कहाँ गई, देश के युवाओं ने बाहरी राज्यों ने नौकरी करवाने का सपना अब ज़्यादातर जगहों पर सपना ही रहने वाला है। कहीं स्थानीय भाषा या निवासी होने की बाध्यता तो कहीं स्थानीय यूनिवर्सिटी से डिग्री हमारे युवाओं को दूसरे प्रदेशों में मिलने वाली नौकरी के पीछे धकेल रही है। राजस्थान में हर भर्ती में आने वाले आदेश में 20 से 25% तक बाहरी राज्यों में युवा सम्मिलित होते हैं। जयपुर देश में शिक्षित युवा बड़ी संख्या में बेरोजगार है, ऐसे में विभिन्न राज्यों में सरकार अपने अपने राज्यों में के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दे रही है। हालांकि अधिकतर राज्यों में स्थायी कानून या नियत तो नहीं बना रखा नियम तो नहीं बना रखा लेकिन अलग अलग भर्तियों के विभिन्न प्रकार की ऐसी बाध्यताएँ जोड़ दी उसमें बाहरी राज्यों के युवा आवेदन ये नहीं कर पाए। करीब 18 राज्य ने पिछले 2-3 वर्षों से विभिन्न भर्तियों में स्थानीय राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त स्तर संस्थान में डिग्री आदि की अनिवार्यता कर दी है। कुछ राज्यों ने तो सीधे तौर पर मूल निवासी होने की शर्त जोड़ दी, इससे बाहरी राज्यों के युवा भर्तियों से बाहर हो गए। वहीं राजस्थान में स्थिति इससे बिल्कुल उल्टा है, यहाँ आजा जज्जा ओबीसी एससी आदि आरक्षित पदों के अलावा अनारक्षित सभी पदों पर बाहरी राज्यों के युवा आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पूरे पदों पर इनका चयन हो सकता है, कई जगह स्थानीय निवासी के को प्राथमिकता। तो दोस्तों ये थी अपनी न्यूज़, आगे की जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों ये है राजस्थान में, क्योंकि बाहर के राज्य वाले अपने राजस्थान में नौकरी करें लेकिन राजस्थान के जो भी
है अपने जो विद्यार्थी वो बाहरी राज्यों में नौकरी नहीं कर पाते, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता इन राज्यों में बिहार, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम, गोवा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, ओडिशा, इन्होंने अपने अपने पॉलिसी बना रखी है। इसलिए दोस्तों जो भी आगे की न्यूज़ होगी मैं आपको समय समय पे देता रहूँगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और अभी से चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।